ये वाला जो म्यूजिक है इंस्टाग्राम रील्स पे आपने जरूर सुना होगा, अभी न्यू म्यूजिक है, काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है, हर कोई इस टाइप का वीडियो बना के अच्छे खासे लाइक व्यूज इंक्रीज कर रहा है। तो कैसे आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो, एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को कैसे आपको स्लो मोशन करना है एंड कैसे बीट के हिसाब से एनिमेशन लगाना है एंड कैसे लाइटिंग इफेक्ट लगाना है, तो ये वाला वीडियो कुछ हटके होने वाला है। तो इस वीडियो में सारा चीज़ सिखाऊंगा, बस यहाँ पर आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। तो फटाफट यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टेलीग्राम से जाकर आप कैपकट को डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। तो कैपकट ऐप को इधर से आपको ओपन कर लेना होगा, वीपीएन अगर आप कनेक्ट कर लेना। सो ओपन करने के बाद नॉर्मल से इंटरफेस आएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे टिक करना होगा, एक नॉर्मल से वीडियो को यहाँ पे ले लेना होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वीडियो आ चुका है कुछ इस प्रकार से, नॉर्मल से वीडियो में थोड़ा बहुत स्लो मोशन है, बट कैसे स्लो करना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। आने के बाद यहाँ पे शो कर एड ऑडियो का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके स्ट्रक्चर्ड पे टिक करना होगा। तो सबसे पहले म्यूजिक को ले लेते हैं, म्यूजिक के हिसाब से वीडियो को एडिट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इधर म्यूजिक वाला वीडियो कुछ इस प्रकार से इधर आ चुका है, देन आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। स्टार्टिंग में आने के बाद अब यहाँ से आपको वीडियो को प्ले करना होगा, जहाँ पे बोलते हैं मुन्नी बदनाम हुई, तो जहाँ से मतलब बीट स्टार्ट होता है आपको उस पोजीशन में आ जाना होगा। तो वो वाला साउंड आपको 3 सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड के आसपास आपको आ जाना होगा। देन आने के बाद अभी यहाँ पे आपका वीडियो स्लो होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पे टिक करके स्प्लिट पे टिक करना होगा, तो इधर वाले पार्ट को हम लोग स्लो करेंगे, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट नॉर्मल रहेगा, देन इधर का जो पार्ट इसको हम स्लो करेंगे, स्पीड पे टिक करना होगा, नॉर्मल पे क्लिक करना होगा, इसका लेंथ कुछ इस प्रकार से आपको कम करना होगा, देन देख लेना होगा म्यूजिक लेयर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको लगभग 0. अगर आपका वीडियो एकदम नॉर्मल है तो 0.2x भी रख सकते हैं। तो मेरा वीडियो ऑलरेडी स्लो था थोड़ा बहुत, 0.4x रखेंगे, ठीक है, इतना हम आसपास कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 0.5x रखेंगे। देन यहाँ से हम डन करेंगे, अभी स्मूथ नहीं हुआ है स्लो, ठीक है। तो पहले यहाँ तक हम लेंथ कर लेते हैं म्यूजिक तक, तो एकदम स्मूथ स्लो इसको अभी हम आगे करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे गई सर बीट आना अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपको करना क्या होगा, म्यूजिक पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन शो करेगा जिसका नाम है बीट करके, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपका बीट आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मार्किंग करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन बीट यहाँ पे आना स्टार्ट हो रहा है, आप वीडियो को प्ले करके देख लेना, म्यूजिक को प्ले करके देख लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ पे टिक टिक से आवाज आए समझ जाओ वही बीट है, ठीक है। तो बीट ऐड करने के लिए यहाँ पे शो करें ऐड बीट का ऑप्शन, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक बिंदी लग जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे बीट है कुछ इस प्रकार से आपको फटाफट बीट को ऐड कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं बीट ऐड कर लिया हूँ इस म्यूजिक में, ठीक है। सो यहाँ पे ढेरों सारे बीट आएंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको म्यूजिक को सुन के यहाँ पे बीट को ऐड कर लेना होगा, देन आपको यहाँ से डन कर देना होगा, ठीक है। अगर आप म्यूजिक के लेयर में देखोगे तो आसानी से आपको बीट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कट लगाना होगा जहाँ जहाँ पे बीट आ रहा है, तो सेकेंड वाले बीट के आसपास आ जाना होगा, देन आने के बाद उसी के ऊपर वाले वीडियो पे टिक करके स्पीड पे टिक करके कट लगा लेना होगा। यहाँ पे बीट आ रहा है, यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कट को ऐड कर लेना होगा फटाफट, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना बीट के हिसाब से यहाँ पे हम कट लगा लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे गई सर एनिमेशन लगाना हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले फर्स्ट में हम लोग ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक करेंगे, शो के इफेक्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने बाद शो करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे शो करेगा हेलो ब्लर, सिंपल आपको इसको लगा लेना होगा वीडियो में, देन यहाँ से हम डन करेंगे। इसका लेंथ यहाँ तक कर लेते हैं जहाँ तक फर्स्ट वाले पार्ट का लेयर है, ठीक है। सो इस पर क्लिक करने बाद एडजस्ट पे टिक करना, इंटेंसिटी को फुल कर देना, तो यहाँ से आपको डन कर देना होगा, कुछ इस प्रकार से ब्लर इफेक्ट लग जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे गई सर अब बाकी रह गया एनिमेशन ऐड करना, ठीक है। अगर आप चाहो तो वीडियो में देखोगे टिक टिक से लाइट इफेक्ट भी आता है, तो आप लाइट इफेक्ट ऐड कर, तो बहुत सारे वीडियो में मैं बताया हूँ, इधर कट लगाने के बाद आप लाइट इफेक्ट ऐड कर लेना खुद से, ठीक है। तो गई सर यहाँ पे हम लोग सिर्फ एनिमेशन ऐड करेंगे, और स्लो करना स्मूथ कैसे वो आगे आपको पता चल जाएगा, बता दूंगा, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर लेते हैं, तो इस वाले लेयर पे क्लिक करना होगा, एनिमेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको शो करेगा, इन आउट कॉम्बो, तो इन कब लगा सकते हो या कॉम्बो का, आउट का तो यहाँ से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो इन में ही बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कि इधर आप स्लाइड करोगे उसमें सेक वाला एनिमेशन ज़्यादा लगाया गया था, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको करें रोक वेट कर, ठीक है। तो इसको लगाओगे काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसको आप चाहो तो लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मिल जाएगा रोक वेट कर, ठीक है। तो इसको भी आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर से आ जाएंगे, फिर से यहाँ पे हम रोक वेट कर लगा लेते हैं, ठीक है। तो दो बार गई सर यहाँ पे आपको रोक वेट कर लगाना होगा, देन उसके नेक्स्ट वाले फिर से पार्ट में आ जाना होगा, यानी कि तीसरा वाला पार्ट में, इधर आप स्लाइड करना, स्लाइड करने बाद सर यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा रोक वेट जनरल करके, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको लगा लेना होगा, देन उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपको वेट जनरल लगा लेना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आपको उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सबसे लास्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ना बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप लगा लेना, जैसे कि वाइपर भी मिल जाएगा, इसको भी आप डाल सकते हो वीडियो में, काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ढेरों सारे मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर हम फटाफट एनिमेशन को ऐड कर रहे थे अपने वीडियो में, ठीक है, जैसे कि स्विंग राइट, स्विंग बटन, स्विंग लेफ्ट, कुछ इस प्रकार से ढेरों से मिल जाएंगे, तो आप लगा लेना एक एक करके, ठीक है, या इधर मिल जाएंगे आपको सेक वन सेक थ्री करके, ठीक है, तो ये वाला भी काफी ट्रेंडिंग है, तो इसको भी आप डाल सकते हो अपनी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम सभी पार्ट में एनिमेशन को ऐड कर लेंगे, यहाँ से हम डन करेंगे। अब यहाँ से आपको बैक कर लेना होगा, म्यूजिक का लेंथ है, सॉरी वीडियो का लेंथ यहाँ तक है, तो म्यूजिक को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ठीक है, या अपना वीडियो का लेंथ आप बढ़ा लेना। सो यहाँ पे एनिमेशन लगा दिए, ठीक है, तो गई सर एक चीज़ रह गया है, ठीक है, वीडियो को कैसे स्मूथ करना है चलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो गई सर जहाँ से आप वीडियो को आप स्लो किए थे आपको उस पोजीशन में आ जाना होगा, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने बाद स्पीड पे टिक करना होगा, नॉर्मल पे टिक करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नीचे सूखे मेक यू दिस मोदर का ऑप्शन टिक करके बेटर क्वालिटी आप सिलेक्ट कर लेना, देन आपको यहाँ से डन कर देना होगा, ठीक है। डन करने बाद ना यहाँ पर ना ये वाला पार्ट एकदम स्मूथ स्लो मोशन हो जाएगा, ठीक है, फिर से उसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे टिक करना होगा, स्पीड पे टिक करके नॉर्मल पे टिक करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से गाइस इधर राइट साइड में जितने भी पार्ट है ना वीडियो का, कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो को अप्लाई कर लेना होगा एकदम स्मूथ स्लो मोशन में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वीडियो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। इस म्यूजिक अगर आपको स्टार्टिंग से वीडियो को प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस प्रकार से वीडियो ब्लर हो चुका है, एंड इधर कुछ इस प्रकार से एनिमेशन लग चुका है वीडियो में, देख सकते हो कितना खतरनाक लग रहा है। कुछ इस प्रकार से बीट के हिसाब से अपने वीडियो में आप ढेरों सारे एनिमेशन लगा सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को आप गैलरी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।